नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कल यानी 17 तारीख को PUBG मोबाइल इंडिया का जो अर्ली एक्सेस वर्जन है वो लॉन्च कर दिया गया था। दोस्तों बहुत सारे गेमर्स को इसका अर्ली एक्सेस मिल गया था और दोस्तों कमाल की बात यह है कि मुझे भी इसका अर्ली एक्सेस मिल चुका है। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको इसका सेंसिटिविटी सेटिंग देने वाला हूं, जिसका यूज करके आप अपना गेम प्ले को और अच्छा कर सकते हैं। पहले लोग पबजी लाइट खेलते थे या फिर पबजी मोबाइल का ग्लोबल वर्जन खेलते थे, जो कि इसका सेंसिटिविटी सेटिंग अलग अलग था। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको पबजी मोबाइल इंडिया का जो ये नया सेंसिटिविटी है वो मैं आज आपको देने वाला हूँ। तो दोस्तों वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, काफ़ी नॉलेजबल है, इस वीडियो को सोर्स लेकर एंड तक जरूर देखिए। चलिए दोस्तों आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों मैं आ चुका हूँ बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया के इस डैशबोर्ड पर, हम अपने होम पेज पे आ चुके हैं। तो चलिए अब हम अपने सेटिंग में चलते हैं। सेटिंग में जाने के बाद चलिए मैं आपको सेंसिटिविटी सेटिंग को दिखाता हूँ। तो यहाँ पर जो हमारा कैमरा सेंसिटिविटी है वो उसकी सेटिंग आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। जो हमारा थर्ड पर्सन कैमरा है वो है 250 हमने रखा है। इसे कैमरा जो सेंसिटिविटी है वो हमने रखा है 250 एंड फर्स्ट पर्सन कैमरा जो है वो है 180। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं और देखने के बाद इसे फॉलो कर सकते हैं। उसके बाद जो हमारा कैमरा सेटिंग है वो थर्ड पर्सन नो स्कोप के साथ है, वो है 80। और उसके बाद जो फर्स्ट पर्सन नो स्कोप है वो है 90 और रेड डॉट को हमने रखा है 50 और 2x को रखा है 30। तो आप लोग यहां पर देख सकते हैं 3x स्कोप का हमने रखा है 22 और 4x का 18 रखा है। तो आप लोग यहां पर देख सकते हैं और देख के इसे फॉलो कर सकते हैं। 6x का 12 और 8x का है 10। तो आप लोग यहां पर देख सकते हैं। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट यहाँ पर आता है ADS सेटिंग, तो आप लोग इसे भी देख सकते हैं। हमने थर्ड पर्सन नो स्कोप को रखा है यहाँ पर 80, उसके बाद फर्स्ट पर्सन नो स्कोप को रखा है 90। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। उसी तरह हमने रेड डॉट को रखा है 50 और यहाँ पर 2x स्कोप को रखा है 30, 3x को रखा है 21 और 4x को रखा है 10, 6x को रखा है 12 और 8x को रखा है 40, TPPM को रखा है 120 और FPPM को भी रखा है 120। तो आप लोग यहां पर देख सकते हैं। यदि आप जायरो खेलते हैं तो जायरो को के भी सेटिंग यहां से देख सकते हैं। थर्ड पर्सन नो स्कोप है यहां पर 300 हमने रखा है और फर्स्ट पर्सन नो स्कोप को भी हमने 300 यहां पर रखा है। रेड डॉट को हमने 300 रखा है और 2x को 250 रखा है। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। 3x को हमने रखा है 150 और 4x को रखा है 150 भी इसका रखा है। 6x का रखा है 70 और 8x का भी रखा है हमने 50। तो आप लोग यहां पर देख सकते हैं TPPM का रखा है 290, उसके बाद हमने FPP का भी रखा है 265। तो आप लोग यहां पर देख सकते हैं। एक बार फिर से मैं आपको यहां पर दिखा देता हूं। तो आप लोग यहां से इसे स्क्रीनशॉट या फिर पॉज करके भी देख सकते हैं आप लोग यहां पर, और इसे फॉलो कर सकते हैं। तो आप लोग यहां पर देख सकते हैं दोस्तों, अभी अभी BGMI लॉन्च हुआ है, तो आप लोग इसे देखकर फॉलो कर सकते हैं और इसे भी अपना सेटिंग के रूप में ले सकते हैं। और इसे एक बार इस्तेमाल करके ज़रूर देखिए और हमें एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइए कैसी लगी आपको ये सेंसिटिविटी। दोस्तों बहुत सारे लोग पबजी का ग्लोबल वर्जन खेलते थे और कई सारे लोग पबजी लाइट खेलते थे, तो उनके लिए ये सेंसिटिविटी सेटिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़रूरी है। तो वो लोग इसका यूज कर सकते हैं जो अभी बेगिनर है। दोस्तों जो जो प्रो प्लेयर होते हैं वो खुद अपना जो सेटिंग होता है वो कस्टमाइज करते हैं। दोस्तों जो बहुत सारे प्रो प्लेयर द्वारा यूज किया जाता है वो सेटिंग मैंने आपको यहाँ पर दिखाया है, आप इसे फॉलो कर सकते हैं, नहीं तो आप अपने अकॉर्डिंग भी इसे एडजस्ट कर सकते हैं। दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता है कि सारे लोग अपने मोबाइल फ़ोन को अलग अलग तरीके से कस्टमाइज करके रखते हैं। कई सारे लोगों को कोई सा कलर पसंद होता है, कई सारे लोगों को कोई सा कलर पसंद नहीं होता है, कई सारे लोगों को कोई दूसरा कैमरा एंगल पसंद आता है, कई सारे लोगों को कोई दूसरा कैमरा एंगल पसंद आता है। इसके अकॉर्डिंग आप भी अपने इस सेटिंग को कस्टमाइज कर सकते हो, लेकिन जो एवरेज होता है, जो ज़्यादातर प्रो प्लेयर यूज करते हैं, वही सेटिंग मैंने आपको यहाँ पर दिखाया है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक मारो, शेयर मारो और यार चैनल पर नए हो तो यार सब्सक्राइब मारो।